तो जी मैं निकल चुकी हूँ अपनी मोटिव व्लॉगिंग करने के लिए। मेरी स्कूटी यहाँ पे फंस चुकी है यार, मेरी स्कूटी स्टैंड पे भी नहीं है, देखो ऐसी अटकी हुई है। बट यार आप लोग ने एक लोकेशन देख लो ये वाली, अंकल चाय बन जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, आई होप यू लोडिंग फाइन। हम लोग जा रहे हैं ब्रांस का जूस बनवाने के लिए, तो वहाँ पे वैसे वीडियो बनाना अलाउ तो नहीं है, बट मैं थोड़ी वीडियो क्लिप्स वगैरह बना दूंगी। तो ये साथ में बोतलें भी ले जानी पड़ती हैं, और ये रहे फूल। पीछे पकड़ भी ले जाए, मैं पकड़ूं? हाँ। यहाँ पे हो गई थी हमारे स्कूल के बच्चों की छुट्टी, तो हम यहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे जूस बनते हैं। ये ले तो। नेहा यहाँ पे मेरे से कह रही थी कि हाथों हाथ भी जूस मिल सकता है अगर भीड़ कम होगी, और यहाँ पे भीड़ देखो भाई कितनी ज्यादा भीड़ है। ये देखो भाई यहाँ पे लाइन लगी है जूस लेने के लिए, मतलब कितनी सारी बोतलें हैं। और यहाँ पे बन रहा है हमारा ब्रांस का जूस, ब्रांस को पका रहे हैं पहले। लेट्स सी हमारे फूल कितने के हैं, ऐसे रख दे वो तो ओ हो हो नुकसान हो रहा है इधर। परसों से भी ज्यादा हो रहे, थोड़ा सा बराबर ही है। और यहाँ पे देखो कितने सारे जूस रखे हैं, अंगूर का, ब्रांस का, आंवला का, और ये यहाँ पे ऊपर माल्टे का भी रखा है। एक चीज दिखाऊं तुझे, ये देख वो पूरे अंदर जा रखे रहे। चीनी मैंने गिरी हुई तो देखी थी, वो अंदर भी गई थी। कितने ज्यादा है वो, थैला पटा होगा किसी का। वहाँ बहुत भीड़ थी, तो वो कह रहे थे कि कल आना, तो अभी कल आएंगे जूस बनवाने के लिए। चिंटू बाबा बंद यार, बंद नहीं था। वो कह रहे थे कि कल आना, बहुत भीड़ थी उधर, कल आना कह रहे थे वो। बाय बाय टाटा। तो भैया मैं बना रही हूँ अपने लिए नींबू पानी। एक शॉर्ट राइड करके आऊँ लोधी तक, तो उसके लिए मोटो व्लॉगिंग करूंगी। और उसके लिए मुझे आज चाहिए कि मैं माइक के साथ बोलूं ताकि मेरी आवाज और ज्यादा क्लियर आए। अरे यार माउंट तो उसी में रह गया, डिक्की में। माउंट की जरूरत तो अभी नहीं है वैसे, मतलब कि पहले तो मुझे यही करना है ना, माइक लगाना पड़ेगा। मैंने बहुत पहले वीडियो देखी थी ना कि माइक कैसे लगाना है, तो उसमें सबने मतलब इसके अंदर जो हेलमेट का जो ये पैड है इसके अंदर सारे ये वायर डाल दी थी, क्योंकि वायर बहुत लंबी है इसकी। तो यस वही करती हूँ जुगाड़ इसका, तो इसकी बची हुई वायर सारे हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा ये फोन में अटैच करने के लिए इसको बाहर निकालना है, यहाँ से ऐसे करके आ जाएगा। ओके यार ये तो बहुत जल्दी कर दिया मैंने। तो मैंने ना माइक इसका यहाँ पे रखा हुआ है माइक, ठीक है, यहाँ पे माइक रखा है, और इसके अंदर जो सारी वायर थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी, ठीक है। ये देखो ये रही वायर सारी, और ये जो ये है जो ये वाली वायर है ये माइक से अटैच होगी, तो ये वाला माइक इधर आ जाएगा, ये वाला माइक इधर ऐसे करके आ जाएगा जैक। बट माइक मुझे थोड़ा और अंदर करना पड़ेगा ताकि अगर ये ऐसे रहेगा तो हवा की आवाज़ आएगी इसमें, तो इसको हम थोड़ा और अंदर कर देंगे ताकि ये सिर्फ यहीं तक ही सीमित रहे और सिर्फ यहीं पर सिर्फ इधर ही रहे। तो अभी ऊपर स्कूटी की डिक्की से मैं इसका माउंट ले आती हूँ, हेलमेट का ये ले आई मैं माउंट। और इधर क्यों बैठा रहे, इधर ऐसे क्यों बैठा है, बाहर जाना है। इसको लगाने में ना बहुत टाइम लग जाता है, अरे लूज हो जाता है, इधर उधर खिसक जाता है। दिल के बदले सनम, दर्द दिल ले चुके, दिल के बदले सनम, दर्द दिल ले। हो गया, बट ये ऐसे ये अभी वाला ही है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये माउंट अच्छा भी है कि नहीं है। तो जी मैं निकल चुकी हूँ अपनी मोटिव व्लॉगिंग करने के लिए, और ये मौसम देख लो, मौसम बड़ा मस्त हो रखा है, धूप बिल्कुल भी नहीं है और हवा चल रही है हल्की हल्की, तो अच्छा लग रहा है। तो अब यहाँ से अपनी स्कूटी निकालते हैं, यहाँ लगाते हैं रोड में, फिर चलते हैं। मेरी स्कूटी यहाँ पे फंस चुकी है यार, ये यहाँ पे इतना बड़ा गड्ढा हो रखा है, इसके अंदर यहाँ से बाहर नहीं निकल रही है। अब मेरी स्कूटी स्टैंड पे भी नहीं है, देखो ऐसी अटकी हुई है। एक बार ट्राई करते हैं इसको निकालने के लिए। निकल चुकी है दोस्तों, तो स्कूटी मैंने बाद में निकाल ली थी, भाई बहुत गंदे तरीके से फंसी थी, तो स्कूटी निकल चुकी है। अब चलते हैं, शुरू करते हैं मोटो व्लॉगिंग। और हाँ मोटो व्लॉगिंग करते करते मैं जा रही हूँ लोधी, तो अभी मैं यहाँ पे टेस्ट ले रही हूँ कि कौन सा एंगल सही रहेगा। यार मेरे को ना एंगल सही नहीं लग रहा यार इसमें, क्या कहते हैं ये तो दिख ही नहीं रहा, ये वाले शीशे तो दिख ही नहीं रहे इसमें, मतलब ये ज़्यादा वाइड एंगल नहीं है क्या इसमें।
डन है दोस्तों, अब चलते हैं मोटो व्लॉगिंग शुरू करते हैं। और आप लोग मुझे बताना ठीक है कि वॉइस क्वालिटी अभी कैसे आ रही है, क्योंकि मैंने भी माइक लगा रखा है। ये देखो यहाँ से दिल्ली है 350 किलोमीटर की दूरी पर। दिल्ली चलूँ क्या? एक चीज और मुझे बोलनी, पता मुझे कुछ बोलना है तो मैं अपनी स्कूटी की स्पीड धीरे कर रही हूँ। मुझे लग रहा है अगर मैं तेज मतलब तेज स्कूटी में बोलूंगी तो मेरी आवाज नहीं आएगी आप लोगों को। यार बहुत तेज हवा चल रही है। पता है क्या, इसमें जो मैंने माउंट लगा रखा है ना अपने हेलमेट में, जो मैंने माउंट लगाया है इसकी वजह से ना वायर से बंद नहीं हो रहा, जो इसका जो वो है ना इसकी क्या कहते हैं उसको जो भी है, इसकी वजह से वायर से बंद नहीं। हवा की आवाज भी आप लोगों को बहुत ज्यादा आ रही होगी। पहले मैं इस वाले रेस्टोरेंट में आने की सोच रही थी कि यहाँ पर आऊंगी, चाय वगैरह पीऊंगी, चले जाऊंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा अरे अच्छी लोकेशन पे एक फूड ट्रक है तो वहां चलते हैं। फूड वैन है, फूड वैन में चाय पीऊंगी अगर वो खुला होगा तो। अभी फिर देखते हैं आगे का क्या सीन बनता है ना। तो हम लोग पता है इस रोड में बहुत कम आते, मतलब आते ही नहीं है, जब हल्द्वानी जाना होता है तभी इस रोड में आते हम। तो गए तब मैं आपको सीधे वहां मिलूंगी फूड वैन में। तो मैं तो सिर्फ चाय पीने जा रही हूँ अभी, तो आज की चाय आज की राइड शॉर्ट राइड होने वाली है चाय पे, तो अपन चाय पियेंगे। फूड वैन जो है वो आ चुका है, यहाँ पे अपनी स्कूटी पार्क कर देते हैं अब। ओए जा, चश्मे वालों के साथ ना बड़ी दिक्कत होती है। अंकल चाय बन जाएगी? चाय नहीं है बेटा, गैस खत्म हो गई है। चाय नहीं है, कुछ भी नहीं होगा फिर अभी तो। अरे यार कुछ भी नहीं है, इधर गैस खत्म हो गई है, इधर तो कुछ भी नहीं है, चाय भी नहीं है। बट यार आप लोग ने एक लोकेशन देख लो ये वाली, मतलब फूड वैन बहुत सही लोकेशन पर है। अपनी किस्मत ही खराब थी शायद आज। पता है मैं घर से मुझे चाय की तलब लगी थी एकदम, मतलब मुझे चाय पीनी ही थी, लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पर आके पीऊंगी और यहाँ पे भी चाय नहीं मिली। बाकी आप लोगों को मोटो व्लॉगिंग कैसी लग रही है प्लीज 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 कमेंट करके जरूर बताना। मेरा मोटो व्लॉगिंग में कितना इंटरेस्ट है वो मैं आपको व्लॉग के एंड में बताऊंगी, तब तक आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो मैं ना अब चाय नहीं पी रही कहीं पे भी, मैं सीधे घर जा रही हूँ, घर जाके ही पीऊंगी। शायद मेरी किस्मत में मेरे हाथों की बनी हुई चाय ही लिखी है। तो जी मैं पहुंच चुकी हूँ अपने घर में, अब सीधे पोपट हो गया मेरा, मतलब वहाँ पे गैस खत्म हो गई थी तो वहाँ कुछ था ही नहीं खाने के लिए। बाकी अभी घर को चलते हैं और चाय बनाते हैं, और क्या ही करूँ मैं अब। चाय पी रहे हो? सारी चाय पूरी गैस साफ कर रखी है मम्मी ने। कलर देख रहे हो चाय का? एक नंबर कड़क चाय बनाई मैंने। ये लो मम्मी जी चाय। तू बिस्कुट खाकर आया है? ना, रुको ना दिखाने तो दो। चिंटू कहाँ जा रहा है? ये खाएगा, थोड़ी खेलेगा, खाल, खाल। ये यहाँ पे बैठ के खाता है घास में बैठ के, ये फेवरेट जगह इसकी, यहाँ बैठ के खाएगा। चप्पल भी लेके गया उधर ही। पहले से हम दिन रात गुजिया खाते रहते थे, इतनी ज्यादा क्वांटिटी में गुजिया बनाते थे। इस बार बनाया नहीं मम्मी ने, पता नहीं क्यों नहीं बनाया। मम्मी कितनी बनाया इस बार? इस बार मेरा मन नहीं था। ये ले नेहा, ये ले। तो अभी हम लोग आ गए मार्केट। नेहा अपने लिए नई सिम ले रही है। इसका फिंगरप्रिंट लेते हैं क्या? मेरा भी लिया था, तेरा भी लिया था ना? तो लिया था भाई। नंबर भी मतलब दिखाओगे ना नंबर? अच्छा सर, तब तक लास्ट में चार नंबर आप चूज करो अपने मनपसंद। कोई भी चार नंबर को, चार नंबर एक ही जैसा भी हो सकते हैं? अलग अलग तो भी आ जाता है। अच्छा तू वीआईपी नहीं है ना सर? तो नेहा ने सिम ले लिया। नेहा बताइयो तुझे, इसमें नेटवर्क नहीं आएंगे तो सबसे ज्यादा गुस्सा तुझे आएगा फिर। अब एक्चुअली हमारे वहाँ ना हमारे घर के अंदर नेट नहीं चलता बिल्कुल भी नहीं, मतलब एक व्हाट्सअप मैसेज करने के लिए भी हमको बाहर जाना पड़ता आगे से आंगन में, तो इस वजह से। और पता है हमें यहाँ पे 5 साल हो गए कभी नेट नहीं चला, एयरटेल के सिम चाहे जियो चाहे बीएसएनएल चाहे कोई भी सिम नहीं चली आज तक। पर 3 हफ्ते से मेरा नेट एकदम धुआंधार चल रहा है, मतलब मैं यूट्यूब में 720p में वीडियोज़ देख सकती हूँ, इतना अच्छा नेट चल रहा है। और मुझे एयरटेल की तरफ से मैसेज भी आया था कि अल्मोड़ा में एयरटेल का नया टावर लगा रखा है। तो नेहा जिस वजह से नई सिम लेकर आई है, अब देखते हैं उसका उसके उसमें नेटवर्क आता है, नेटवर्क तो आ ही जाएंगे, नेट कितना अच्छा चलता है अगर से चल गया, मतलब टावर लग गए हैं कहीं आसपास एयरटेल के। तो गाइस नेहा करने चला थोड़ा शॉर्ट्स ये रील्स, ये देखो गाइस हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं दोस्तों।
चला। 5 साल ऐसे जीने के बाद अब हमारे अच्छे दिन आ चुके हैं। 5 साल बाद ये देखो अच्छा चल रहा है ना। तो मतलब ये बात सच है शायद कि एयरटेल का टावर कहीं तो लग चुका है जिससे नेटवर्क आ रहे हैं हमारे। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी कमरे में आ रहे हैं मेरा तो मतलब पूरे घर में किचन में भी चल रहा है कहीं पे भी हर जगह चल रहा है। तो नेहा का भी चल जाएगा थोड़े दिन में। मम्मी नेहा का भी नेट चलने लगे धुआंधार। भाई तुम भी ले लो एयरटेल की सिम, आप हॉटस्पॉट मांगना बंद करो। ये आज मम्मी का फास्ट है तो मम्मी ने सब्जी बनाई है। ये आलू की बंद कर दिया। आलू की सब्जी बनाई है तो इस ब्लॉग का करते हैं मेरी समाप्त। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो अच्छा। हाँ मैंने एक चीज बतानी तो रह गई। वो मेरा मोटो ब्लॉगिंग को लेके क्या इंटरेस्ट है। तो मम्मी यार बर्तन धो रही है। हाँ तो मैं कह रही थी ना मेरा मोटो ब्लॉगिंग को लेके इंटरेस्ट कुछ ऐसा है कि मुझे जैसे 10 मिनट का ब्लॉग है तो मुझे 2 मिनट से ज्यादा मोटो ब्लॉगिंग नहीं पसंद। मुझे एकदम बोरिंग लगता है। जब इंसान अपने आप को दिखा के बात करता है ना तो वो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे मतलब इंसान बोले जा रहा है और सामने का व्यू दिखा रहा है थोड़ा ही पसंद है मुझे। ठीक है मतलब मैं बहुत ज़्यादा मोटो ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, थोड़ी थोड़ी करूँगी, जितनी जितनी ज़रूरत है उतनी ही। मतलब एक ब्लॉग में जितनी मोटो ब्लॉगिंग होनी चाहिए सिर्फ उतना ही। जैसे कि लोग ना जैसे लॉन्ग ओके बाय।